करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा और टॉपिक था जिसको बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑफ करंट। 54 नंबर शीट में मिलेगा मेरी बुकलेट में आपको, ठीक। थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑफ करंट, इसके ऊपर लिख सकते हैं नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये स्कूल लेवल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नीट या मेंस में आएगा तो वो कैसे करना है उसको एक बार देखते हैं, राइट। मॉड्यूल में है ये हैंड रिटन में मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में की बुकलेट में नहीं है, ये हैंड रिटन में मिलेगा, राइट। तो थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले इसमें करना क्या है, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बस उन पॉइंट्स में से आएगा, तो पूरा चैप्टर नहीं करेंगे हम बिल्कुल मेन पॉइंट्स करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप देखना आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, दो डिफरेंट मटेरियल की वायर्स, जैसे एक आयरन और एक कॉपर को अगर आपने ज्वाइन किया और दो जंक्शन हैं इसके, इसको थर्मोकपल बोलते हैं, राइट। वैसे तो कपल बोलते हैं, अलग अलग वायर्स हैं, कपल है। थर्मो इसलिए क्योंकि हम एक जंक्शन का टेम्परेचर गर्म करते हैं और एक का ठंडा करते हैं, तो एक को हॉट करते हैं एक को कोल्ड रखते हैं, तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। और जब इनमें टेम्परेचर डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो भागते हैं इधर उधर, डिफ्यूज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो करंट पैदा होता है, करंट जनरेट होता है। इस करंट को थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट बोलते हैं, इस करंट जनरेशन को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। थर्मो का मतलब हीट, इलेक्ट्रिक का मतलब हीट से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक करंट, और इसका अफेक्ट थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। तो ये आपका थर्मोकपल है। ये पहली बार किसने निकाला था कॉन्सेप्ट, सीबेक ने, साइंटिस्ट सीबेक ने, तो इसलिए अपने नाम से क्या नाम रखा उसने, सीबेक अफेक्ट। तो सीबेक अफेक्ट है कि अगर एक कपल है, एक हॉट जंक्शन एक कोल्ड जंक्शन, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो इस अफेक्ट को सीबेक अफेक्ट बोलते हैं, बस। नेक्स्ट है थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, मैंने बता दिया व्हाट इज थर्मो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इसमें जो करंट जनरेट होगा वो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट होगा। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मो ईएमएफ, तो क्योंकि करंट है तो इनमें क्या जनरेट हो जाएगी, ईएमएफ जनरेट होगी, उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, थर्मो ईएमएफ बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो ग्राफ है ये, हम क्या करते हैं, एक कोल्ड जंक्शन है एक हॉट जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, हॉट का टेम्परेचर बढ़ाते 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 जाते हैं ताकि इनमें टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो जाए, है ना। दो टेम्परेचर को छेड़ने की क्या जरूरत है, आप कोल्ड को तो फिक्स कर दो जीरो, हॉट को बढ़ाते जाओ तो टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और रूल क्या कहता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ऐसा सुनने में लगता है कि ईएमएफ भी उतनी ज़्यादा जनरेट होगी, करंट भी उतना ज़्यादा जनरेट होगा, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा हुआ नहीं। कैसा हुआ फिर, किसी भी अलग अलग थर्मोकपल्स में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये देखा गया कि टेम्परेचर डिफरेंस है और ये क्या है, थर्मो ईएमएफ है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ाया, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे बढ़ाया, सिर्फ हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कोल्ड को तो जीरो पे फिक्स ही कर दिया, हॉट को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो जब आपने थर्मोकपल के टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ाया तो थर्मो ईएमएफ बढ़नी स्टार्ट हो गई, आपने टेम्परेचर डिफरेंस और बढ़ाया थर्मो ईएमएफ बढ़नी स्टार्ट हो गई, आपने टेम्परेचर डिफरेंस और बढ़ाया थर्मो ईएमएफ बढ़नी स्टार्ट हो गई और मैक्सिमम हो गई। फिर जब आपने टेम्परेचर डिफरेंस और बढ़ाया तो इंस्टेड ऑफ कि थर्मो ईएमएफ बढ़े वो कम होनी स्टार्ट हो गई, आपने और बढ़ाया, बढ़ने की बजाय कम होनी स्टार्ट हो गई, करते करते और बढ़ाया और बिल्कुल क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर आपने और बढ़ाया तो फिर करंट जो कि क्लॉकवाइज घूम रहा था अब कैसे स्टार्ट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज की पोजीशन होगी तो उस इंस्टेंट पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद ये ग्राफ उल्टा स्टार्ट हो गया और फिर सीधा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ वेरिएशन पाया गया, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है हम नहीं जा रहे इसमें, हमें चाहिए भी नहीं। हमें क्या चाहिए, ये ठीक है हमने मान लिया किसी भी थर्मोकपल में ये ग्राफ बनता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके अंदर ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन जीरो पर रखा जाता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन है। ये जो टेम्परेचर है हॉट जंक्शन का, जब थर्मो ईएमएफ क्या आ गई थी, मैक्सिमम, इस टेम्परेचर का खास नाम है और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर। तो न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब थर्मो ईएमएफ क्या आ जाती है, मैक्सिमम। उसके बाद क्या हुआ, आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो हॉट जंक्शन का ऐसा टेम्परेचर जब थर्मो ईएमएफ इन्वर्ट हो गई, उल्टी बढ़नी स्टार्ट होगी, डायरेक्शन उल्टी हो गई, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो तीन टेम्परेचर हैं, कोल्ड जंक्शन, ये न्यूट्रल टेम्परेचर,
और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। खास बात इस ग्राफ की ये है, ये पैराबोला बनता है, सिमिट्री में बनता है, जितना ये डिफरेंस होगा टेम्परेचर का उतना ही ये डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, यानी कि दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर। तो कहने का मतलब, जैसे सपोज करो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ कुछ ऐसे, ये देखो ये वही ग्राफ है, ये थर्मो ईएमएफ का ग्राफ है और मेरा ग्राफ ऐसा बना था, ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है, ये जो टेम्परेचर है ये न्यूट्रल टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर है ये कोल्ड टेम्परेचर है। और मैथमेटिकल रूल इंपॉर्टेंट है इसमें, थीटा एन माइनस थीटा सी ये रहा इज इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा एन ये रहा। तो टेम्परेचर डिफरेंस का जो डिफरेंस होगा दोनों में लेफ्ट और राइट में पैराबोला में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर ये सेम रहेगा तो यहां से सॉल्व करके जो न्यूट्रल टेम्परेचर आएगा वो इसका एवरेज आएगा। तो न्यूट्रल टेम्परेचर इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि न्यूट्रल टेम्परेचर मिड पॉइंट में होगा कोल्ड और इन्वर्जन के, ये पहला रिजल्ट है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने पूरा चैप्टर जुड़ कुछ नहीं पढ़ना, आपने पहली चीज ये पढ़नी है कि जो ग्राफ आता है वो पैराबोला आता है, फिर आपने वो फॉर्मूला याद करना है कि जो न्यूट्रल टेम्परेचर है इनका मिड पॉइंट आता है, फिर आपने तीसरा पॉइंट ये नोट करना है कि न्यूट्रल टेम्परेचर पे थर्मो ईएमएफ क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। फिर उसके बाद आपने ये याद करना है न्यूट्रल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहती है किसी भी थर्मोकपल के लिए, आयरन और कॉपर का न्यूट्रल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, चाहे बड़ी वायर लो चाहे छोटी वायर लो उससे कोई फर्क नहीं है, तो कॉन्स्टेंट है। दूसरा, न्यूट्रल टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करता है। अगर आप मटीरियल चेंज करोगे, कॉपर की जगह सिल्वर यूज करोगे, न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, क्योंकि हम हॉट को बढ़ाते रहते हैं, कोल्ड को तो वैसे भी फिक्स कर लेते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ कोल्ड पर नहीं डिपेंड करता। एक्चुअल में जो थीटा है, ये जो जब हम इंक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर, वो टेम्परेचर डिफरेंस है, ना कि टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। तो ये तीन फैक्टर आपने याद करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आ सकता है उसमें एक टर्म यूज की जा सकती है, वो क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर या सीबैक कोफिशेंट, ये बॉक्स में डाल सकते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशेंट, एंड इट इज डिफाइंड एज डी ई बाई डी थीटा, ई फॉर थर्मो ई एम एफ, थीटा फॉर टेम्परेचर डिफरेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो ई एम एफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट जो आपने याद करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके ऊपर बहुत चांस है क्वेश्चन आने का, वो यही क्वेश्चन है। वो ये कहेगा कि जो ईएमएफ की जो वैल्यू है, थर्मो ईएमएफ है, वो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं उसका पैराबोला। जब हम पैराबोला करते हैं तो उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वो इस फॉर्म में लिखी जाती है, अल्फा इंटू थीटा प्लस हाफ इंटू बीटा इंटू थीटा स्क्वायर। थीटा इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन या टेम्परेचर डिफरेंस, ई फॉर थर्मो ईएमएफ, अल्फा एंड बीटा क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंडेंट करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो अल्फा बीटा में निकालना नहीं होता है, क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो जो इक्वेशन है इस पैराबोला की, वो कुछ इस फॉर्म में लिखी जाती है। ये इक्वेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ये भी आपने याद नहीं करनी होती, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी। क्वेश्चन ये आएगा कि थर्मो ईएमएफ जब मैक्सिमम होगी तो उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर। तो आप मुझे न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू बताएं क्या होगी जब ई की ये वैल्यू गिवन है। तो एक काम करते हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब ई की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। एक काम करें, किसी भी चीज को मैक्सिमम करने के लिए उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट और इक्वल टू जीरो। तो डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू वॉट, जीरो। तो ई की वैल्यू पूरी की पूरी ई की वैल्यू यहां पुट करते हैं ये रहा, और इक्वल टू क्या, जीरो। तो जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी थीटा बाय डी थीटा वन, अल्फा इसको टू थीटा, सॉल्व करके आंसर, अब जो यहां टेम्परेचर आ रहा है क्योंकि ईएमएफ को हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम, अब जो ये टेम्परेचर इसमें आएगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल टेम्परेचर। तो इसलिए न्यूट्रल, ये जो थीटा बन जाएगा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल टेम्परेचर का ये फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले की बजाय ये भी याद ही कर लो, बॉक्स में डाल लो, दिस इज न्यूट्रल टेम्परेचर का फॉर्मूला। नहीं तो जिस क्वेश्चन में ई गिवन होगा उसको आपने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देना, ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा, न्यूट्रल टेम्परेचर आएगा। ये आपने याद करना है, ये मेन मेन पॉइंट्स है इसके, कैसे करना है वो भी करके दिखाता हूं। नेक्स्ट है पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर सीबैक का उल्टा है। सीबैक क्या कहता है,
आप थर्मोकपल लें, एक जंक्शन हॉट करें, एक कोल्ड करें, करंट उसमें दौड़ेगा। पेल्टियर कहता है आप थर्मोकपल लें, कोई हॉट कोल्ड ना करें, बैटरी लगा दें, बैटरी से करंट आप दौड़ाएं, करंट आपने प्रोड्यूस किया तो जंक्शन अपने आप एक हॉट हो जाएगा और एक कोल्ड हो जाएगा, यानी कि उल्टा ऑफ सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट में बैटरी नहीं लगती, हॉट एंड कोल्ड करते हैं, करंट जनरेट होता है, इसमें हम करंट जनरेट करते हैं और जंक्शन हॉट एंड कोल्ड हो जाते हैं। तो ये पेल्टियर इफेक्ट है। पेल्टियर कोफिशेंट जो होता है कुछ नहीं है, कितनी पेल्टियर हीट है अपॉन चार्ज फ्लोइंग, मतलब कि कितनी हीट यहाँ पर बाहर निकल रही है या इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, और कितना आपने चार्ज पास किया, इसको हम क्या बोलते हैं, पेल्टियर का कोफिशेंट बोलते हैं। डिफरेंस आपको ज़रूरत नहीं है, थॉमसन इफेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इसकी क्या है, थ्योरी है। और इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आएगा जरा ये भी देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन से पहले एक और इफेक्ट है जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। लेकिन इसके अंदर पहले एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन को ही देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन के अंदर देखो, तो इसके क्वेश्चंस के अंदर ये जैसे सपोज आपका क्वेश्चन नंबर है 9, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करो वो कह रहे हैं जो थर्मो ईएमएफ है दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला ई इज इक्वल टू 40 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 20। ईएमएफ गिवन है आपको, इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होगा। मैंने क्या सिखाया, न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करने के लिए इसको क्या करें, डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, तो ईएमएफ की वैल्यू को लिखें, इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा उसमें जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। तो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, न्यूट्रल टेम्परेचर। तो समझ में आ रहा है किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ईएमएफ देगा उसको मैक्सिमम करना है और जो आंसर आएगा वो टेम्परेचर अपने आप क्या कहलाएगा, न्यूट्रल टेम्परेचर। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, जंक्शन ऑफ निकल कॉपर थर्मोकपल आर मेंटेन्ड एट 0 and 100। तो कोल्ड टेम्परेचर 0 है, हॉट टेम्परेचर 100 है। कैलकुलेट सीबैक ईएमएफ। सीबैक ईएमएफ क्या होती है, जो ईएमएफ मैंने आपको बताई ई थर्मो ईएमएफ, वही सीबैक ने तो निकाली थी, उसका नाम क्या है, थर्मो ईएमएफ या फिर सीबैक ईएमएफ, एक ही बात है, सीबैक ईएमएफ है। जब अल्फा और बीटा गिवन है तो करना ही कुछ नहीं है इसमें, ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने को इन जनरल बता दिया था क्या है। इस फॉर्मूले में ए और बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए और बी अल्फा बीटा गिवन है, थीटा क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस, और यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 0। तो जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ 100 पुट कर दो आंसर, तो वैल्यू पुट करके आपने ईएमएफ निकाल ली। दूसरा पार्ट है फाइंड द न्यूट्रल टेम्परेचर। अब न्यूट्रल टेम्परेचर का फॉर्मूला मैंने आपको भी एंड में बताया क्या होता है, माइनस अल्फा बाय बीटा या ए बाय बी, ए पता है बी पता है, यहाँ से न्यूट्रल टेम्परेचर आ गया। फिर वो कहेगा फाइंड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, आपको मैंने सिखाया न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड कोल्ड टेम्परेचर बाय 2। आपने न्यूट्रल इस फॉर्मूले से निकाल दिया, कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पर 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो आइडिया क्लियर है कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।